नमस्कार सबसे पहले तो आज मैं थोड़ा सा असहज हूँ और मुझे इसलिए असहजता महसूस हो रही है कि कोविड के समय सब सुख सब दुख में हैं संकट में हैं अपने परिवार के लिए चिंतित हैं और मुझे बड़े असहज वातावरण में ये प्रेस वार्ता करना पड़ रहा है और मेरी भी चिंता कोविड की उतनी ही है जितना देश के सभी लोगों को है तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगा कि कोविड की अवधि में इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मैंने पहल किया है मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया किसी एक सज्जन के बारे में जो राजनीति में हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है मैं अगले तीस मिनट आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ तीस मिनट आप मेरे साथ रहें मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठा हूं। मैं यहाँ छपड़ा के सांसद के रूप में आपके बीच में आया हूँ और छपड़ा की जनता की तरफ से आया हूँ और ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये प्रेस सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है ये मेरा व्यक्तिगत सांसद के रूप में ये प्रेस सम्मेलन है मैं इसे टालना भी चाहता था छोड़ना भी चाहता था लेकिन लोगों ने कहा कि आप तो पिछले 25 वर्षों से दूसरे का पक्ष रखते हैं ये अपराध होगा गलत होगा कि अगर आप अपना पक्ष ना रखें मित्रों की सलाह पर आ, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और मैं आपका बहुमूल्य तीस मिनट दूंगा मेरे बारे में लोग भूल जाते हैं और खास करके जो प्रेस सम्मेलन करते हैं उनको पता नहीं होता है कि मेरा राजनीतिक भूमि पृष्ठभूमि क्या है तो मैं मूलतः एक पॉलिटिकल आदमी हूँ पंजाब विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति से प्रारंभ होकर के बिहार लौट करके उन्नीस में विधायक बना छियानवे में लोकसभा में आया और तब मैं भारतीय जनता पार्टी में था उसके पहले मेरी पृष्ठभूमि चंद्रशेखर जी के साथ रही मैं छात्र जनता का राष्ट्रीय अध्यक्ष था पंजाब विश्वविद्यालय का महामंत्री अपने कॉलेज का अध्यक्ष वहाँ से चल करके और वहाँ से चल के लगभग चार बार मैं लोकसभा में जीत के आया हूँ और पार्टी ने मुझे दो बार राज्यसभा में काम करने का मौका दिया तो मोटे तौर से मैं राजनीतिक जीवन में मेरे तीस वर्ष पूरे हो गए हैं और मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे छोटे आदमी को भी राजनीति में इतने लंबे अरसे तक काम करने का मौका मिला मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन सभी लोगों का जिन लोगों ने मेरा आज तक साथ दिया और इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि अपने बारे में इस उम्र में आकर के सफाई देना पड़े लेकिन आज के परिस्थितियों का हालात ऐसे हैं कि कई कही बार कहीं वो विषय आपके लिए जीवन भर का टेम्पलेट ना बन जाए तो मैं आज उस राजनीति से जो राजनीतिक ताकत दिखा करके लोगों को असहाय करते हैं मैं उनकी आवाज़ के रूप में आया हूं जो जिसके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है कोई बोल नहीं सकता है और उसका कारण मैं बताऊंगा, चाहे वो कोविड के दौरान काम करने वाले डॉक्टर हों सरकारी कर्मचारी हों बिहार के अधिकारी हों वरिष्ठ अधिकारी हों स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हों पैरामेडिक्स हों दवा के दुकानदार हों और बहुत सारे लोग जो व्यवसायी हों जो डर से नहीं बोल सकते हैं मैं उनके आवाज़ बन के वैसे पुलिस के अधिकारी वैसे लोग जो दमन के शिकार हुए हैं पिछले तीस वर्षों में उनका वकालत लेके आया हूँ और मैं ऐसे ही कोई बात नहीं रख रहा हूँ मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है राजनीतिक जीवन में मैंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया है मैंने किसी का बुरा नहीं किया है लेकिन जो सच है और बिहार के मुख्यमंत्री बार बार एक बार हमेशा ये कहते हैं कि कानून का राज्य होना चाहिए हमारा भी ऐसा मानना है कि कानून का राज्य होना चाहिए और इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ कि सचमुच अगर संविधान पर भरोसा है और हम सब पर भरोसा है तो हम सब लोगों को मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि लेकिन फिर भी संदर्भ आया था और जिस दौरान ये चर्चा हुआ उस समय एक प्रकार का उत्तेजना था असत्य के बीच में बहुत सारे तथ्य ऐसे रखे गए जो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था और भावनाओं में बह कर के कुछ ओपिनियन बनाया गया इसलिए मैंने आठ दिन का समय दे दिया और मैंने कहा कि आठ दिन के बाद मैं तथ्य रखूंगा ताकि आप भी शांति से मेरी बात सुन सकें जो सही हो मैं अगर गलत हूं तो गलत ही होंगा गलतियां तो सबसे होती है लेकिन वैसी गलती जो आपराधिक रूप से हो मैं नहीं समझता हूं कि मैं करने का कभी मैं उसकी ताकत रखता हूं या मैं उसकी उस तरह से हो बहुत सारे ऐसे तथ्य प्रकाश पे आए हैं जिसका मैं आपके सामने लाना चाहूंगा और मैं नहीं जानता हूं कि बिहार की सरकार ने या देश की सरकार ने किसी पूर्व सांसद को कैसे ये अधिकार दिया कि वो बिहार के कॉन्शियंस कीपर हो जाए और इंस्पेक्टर हो जाए डीजी हो जाए क्या हो जाए नहीं जान जाए जगह जगह जग अस्पतालों में जाकर के सिर्फ बुराइयां ढूंढना कमियां हो सकती हैं देश भर में बहुत सारी स्थितियां सब राज्य सरकारें लगी हुई हैं अपनी अपनी ताकत से सब लोग लगे हैं अगर कोई ये दावा करता है कि मैं ही लगा हूँ तो ये अनुचित है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं ऐसा क्यों है कि सिर्फ राजनेता ही दिख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं बाकी सब लोग चुप हैं जो पत्रकार बिहार ने तो जर्नलिस्ट को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिया जो पत्रकार इस समय हमें आके बाहर के वी पर देख रहे हैं सब अपने अपने तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं देश की सरकार भारत की सरकार राज्य की सरकार सभी लोग लगे हैं ये आपातकाल की स्थिति है स्वास्थ्य का आपातकाल है हम सब लगे हैं तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, लोग भूल चुके हैं अपराधी अगर किसी मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो जाता और यहाँ मैं उसी विषय को दोहराना चाहूँगा और मैं आपको शुरू करूंगा हम और आप चुनाव लड़ते हैं चुनाव में एफिडेविट देते हैं और वह सबसे सही माना जाता है तो मैं ये एफिडेविट के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे मित्र का एक एफिडेविट था और ये एफिडेविट की प्रति है और उनके पृष्ठ हैं ये पृष्ठ हैं 32 आपराधिक मुकदमे का जो उन्होंने स्वयं स्वीकारा है लेकिन ये कॉन्शियंस कीपर हैं बिहार और देश के इसके बारे में कोई नहीं पूछता है और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो पन्ना खत्म हो गया है अपने बारे में हस्ताक्षर करके कि मैं कितने अपराधों से जुड़ा हूं मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूँ मुझे भी खंगाल लीजिए और मैं भी तीस साल से राजनीति में हूँ और मैं सिर्फ एक पन्ना दिखाना चाहूँगा मेरे एफिडेविट में अभी तक खाली है ईश्वर की मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अपने राजनीतिक जीवन में मुझे अपराध और अपराधी की श्रृंखला में न जाना पड़े ईश्वर मुझे ताकत दे कि ऐसे ताकतों के खिलाफ मैं लड़ता रहूं मैं जानता हूं कि अपराधी के खिलाफ तो कार्रवाई करना आसान होता है लेकिन राजनीतिक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना संभव नहीं होता है क्योंकि उसके पास उसी ताकत का राजनीतिक ताकत का संरक्षण मिलता है और उस राजनीतिक संरक्षण के सामने हम सब भी झुक जाते हैं शासन भी कई बार झुक जाता है और दबदबे के साथ ताकत दिखा करके शासन के लोगों को भी झुकाने का प्रयास करता है ताकि आपराधिक पृष्ठभूमि समाप्त हो जाए यह अपराध सामान्य नहीं है साहब मैं नहीं बोलना चाहता था मेरा कोई लेना देना नहीं वो मधेपुरा की राजनीति करते हैं मैं सारण का राजनीति करता हूं और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सारण कमिश्नरी के लोगों को और उत्तर बिहार के लोगों को हम अपराध की दुनिया से अलग हैं शांति में हैं हम ना कोई दंगा चाहते हैं और हमारे हर समाज के लोग सारण जिला में शुभ सुख शांति से रहते हैं चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों कोई भी विधायक हो आर का हो कम्युनिस्ट का हो कहीं का हो हम सब चुनाव तक लड़ते हैं और चुनाव के बाद जा के हम सब लोग साथ मिलकर विकास का काम करते हैं और आज तक मेरे पॉलिटिकल लाइफ में मुझे आप सबको पता है कि मैं सारण का सांसद रहा हूं, छपड़ा का सांसद रहा हूं। मेरी लड़ाई बहुत ताकतवर लोगों से हुई है लेकिन एक सीमा के नीचे मेरे जिला में कोई नहीं गया और मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं इतना जरूर कबूल करूंगा कि एक आपराधिक रूप से कभी किसी ने पॉलिटिक्स नहीं किया मेरे जिला में और मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जोशी में तो ये चलिए आप इनका एक पृष्ठभूमि देखिए और ये पत्रकारों के लिए है। जब आप ऐसे व्यक्तियों का सत्तर धाराएं हैं इकतीस केसेस में और यह डकैती का है राइटिंग का है आर्मसा का है थेफ्ट का है कॉन्स्परेसी का है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का है एबडक्शन का है ब्राइबरी का है पब्लिक ऑर्डर शायद सीआरपीसी और आईपीसी का कोई धारा बचा नहीं है जो हमारे मित्र के नाम पर नहीं है लेकिन सब लोग भूल गए हैं और पिछले तीस साल में ये सभी कई केसेस चार्जशीट हो चुके हैं कई कॉग्निजेंस हो चुके हैं कई पर अब भगवान जाने कैसे कोई और मैंने खंगाल डाला पूरी दुनिया के राजनेताओं के इतिहास को पूरी दुनिया में और मैं न गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में न लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई भी दुनिया का ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा जिसकी ये आपराधिक भूमि हो आपराधिक बैकग्राउंड मुझे बहुत खराब लगता है उनके ही परिवार हैं बच्चे में है मुझे है। लेकिन मैं मैंने उनको बुलाया नहीं था अपने यहाँ मैंने उनको नहीं कहा था कि मेरे यहाँ आकर के कीजिए मैंने कोई गलती नहीं की थी उस विषय पर भी आ और मैं अपोलोजिटिक नहीं हूँ मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैंने तो इतना आपराधिक मामला कोई भी धारा नहीं बचा है अगर ध्यान से देखेंगे और वो सब छिपा हुआ है कोई जानता नहीं है केसों का धारा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कोई धारा ऐसा नहीं बचा है नया सी और नया आई लिखना पड़ेगा किसी व्यक्ति के पृष्ठभूमि को बताने के लिए कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और क्यों छिपा हुआ है इस प्रकार से और क्यों छिपा रखा है लोगों ने और क्यों इसकी चर्चा नहीं करते हैं मैं अगर अपराध करूं तो रात भर रात्र भर हम लोग जग नहीं सो नहीं पाते हैं और इस प्रकार का और इसमें कितने लोगों का दमन हुआ कितना मैं ये नहीं जाऊंगा इसको मैं भी छोड़ देता हूं क्योंकि इसके बाद के अगर तथ्य मैं आपके पास लाऊँ तो आप दंग हो जाएंगे आगे का इंतज़ार कीजिए हम सब लेके आएंगे क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी राजनीतिक अपराधी से लड़ना कितना कठिन होता है आपके ऊपर भी हो सकता है आपके परिवार के ऊपर भी खतरा हो सकता है मित्रों पर हो सकता है पत्रकारों पर हो सकता है लेकिन एक और बात है जो छिपाया गया है दो में आप लोकसभा का चुनाव लड़े जीत गए लेकिन उस समय आपने उन्नीस केसेज छिपा के रखे थे सत्रह अठारह उन्नीस पच्चीस अनुसंधान का क्रम जारी है और आपने एफिडेविट में गलत दिया था उस समय अगर आपके इस खिलाफ कोई न्यायालय में जाता तो शायद लेकिन ये जांच का विषय है इस पर मैं टिप्पणी लेकिन आपने सत्यों को छिपाया था तो मोटे तौर से आपके ऊपर अभी तक मधेपुरा में छः पूर्णिया में ग्यारह पटना में उनतीस जो स्पेशल कोर्ट में जो केसेस भेजे गए के हैं उनतीस दरभंगा में एक गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक सहरसा में दो पता नहीं सरकार उस समय तो सबकी सरकार थी आज की सरकार नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं थी सुशील मोदी जी नहीं थे तारकिशोर प्रसाद नहीं थे सबकी सरकार थी और ये 1990 के बाद से और मैं बताना चाहूँगा कि जब जब आप सद सांसद बने मैं भी उसी वर्ष उस विधानसभा में जीत के आया था सत्ताईस साल की उम्र में मैंने कभी आपसे किसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया आप राजनीति कर रहे थे करें सरकार का काम है देखना लेकिन आपने आके एक ऐसा आरोप लगाया जो मेरे मन को झंझोड़ दिया मुझे मन नहीं मेरे मन को नहीं झंझोड़ा मेरे पूरे मेरे पूरे पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में एक आपने ऐसा शब्द डाल दिया जो शायद मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकता था मजबूरी में ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि तथ्य और ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है राजीव प्रताप रूडी का और ताकि ये रिकॉर्ड पर रहें कभी भी इस लिंक को उठा के कोई देख सकता है मैं इसके बाद जाना चाहूंगा आप आप बहुत अच्छे आदमी हैं आप मॉरल कीपर है कॉन्शियंस कीपर हैं तो एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा आ, इसके बाद जो है अब बी नाइन तक तो दिखा दिया आप गालियां निकालते हैं आप किसको छोड़ते हैं सब खराब है मैं ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है किसी को आपने नहीं छोड़ा है सरकार में सरकार के बाहर में मैं नहीं बोलना चाहूंगा किसका यह पूरा पृष्ठ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री सड़क पर ला देंगे दिखा देंगे डॉक्टरों के बारे में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है धरती का जिसको आपने अपमानित नहीं किया रंजिश नहीं किया और आप 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 संत हैं और बाकी सब अपराधी हैं पूरे भारतवर्ष के नेता अपराधी हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री अपराधी हैं गृह मंत्री के बारे में आपने बोला और कहा कि इसे जेल भेज देना चाहिए अपराध करना चाहिए इसका हम अंतिम संस्कार करेंगे आपने ऐसी सी बातें कही किसी ने प्रतिकार नहीं किया हमने भी नहीं किया लेकिन कहीं ना कहीं तो किसी को जवाब देना था कि आपका ये नहीं चलेगा ये 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 पूरा डॉक्यूमेंट है आप उनके फेसबुक पर जाके देखिए कि देश आपको अच्छा लगता होगा लेकिन जिन लोगों ने इनको चित्रण किया उनके बारे में बता जाऊ अब इसके बाद में दो बस छोटा एक छोटा सा विजुअल देना चाहूंगा जो इनके बारे में मैंने नहीं कहा। डेनमार्क में डेनमार्क डेनमार्क में, देन्मार्क में, में किसी ने जाने के बाद यह गलत हो सकता है लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि अर्ण गोस्वामी इतना बड़ा गलती क्यों करेंगे आप देख ले इसको तीस सेकंड का है

And put in the back seat and driven to his official residence within the site of the presidential uh, uh, the, the president 's residential dome and at that at his home at papu yadav 's home and arranged for the transport by train that evening from Delhi to a very small train station that i couldn 't see because I was packed in blankets uh, there a another Diplomatic or what should I say, official car was waiting, plus two other cars with the AK-47 guards, who uh, then drove me directly from the platform of the station over the border into Nepal and dropped me at the bus depot on the Nepali side from where I uh, escaped back to Denmark. But Purlia Kim Devi hai jo Abhi. डेनमार्क में हैं सही है सीबीआई जांच अभी तक कर रही है पुरलिया क्षमा कीजिए मैं क्यों लाता मैं क्यों, मेरा क्या लेना देना है सरकार देखेगी लेकिन लेकिन अगर आप एक सीमा से पार करके लोकतंत्र को अपने हाथ में ले तो ये है अजीत सरकार हमारे साथ विधायक थे और उस केस में अजीत सरकार की हत्या हुई लोग भूल गए हैं अजीत सरकार उस समय विधायक थे और सुप्रीम कोर्ट में हाई आप वर्षों तक वर्षों तक आप जेल में रहे, आपको कोर्ट ने कन्विक्ट किया और पटना हाई कोर्ट से आपकी रिहाई हुई लेकिन सच्चाई ये है कि रिहाई के बाद भी आज आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने पिटीशन किया आप पांच साल तक सांसद रहे आपने इसको मैं नहीं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट जानता है और सुप्रीम कोर्ट और देश का कोर्ट सब कुछ देखता है सब कुछ जानता है अगर आप इन सब चीज़ों को छिपाने के लिए करें मेरा कोई लेना देना आप बरी हो जाएं, आप दोषमुक्त कहलाएं लेकिन अजीत सरकार की हत्या के बाद उस विधानसभा में हम लोग भी बैठे थे हम जानते हैं कम्युनिस्ट के नेता थे आज कम्युनिस्ट के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं अजीत सरकार की बात को भूत कर भूल करके क्षमा कीजिए मुझे दुख होता है वो हमसे बहुत वरिष्ठ थे और मैं तो सत्ताईस साल का था लेकिन इसे भूलना अगर आप चाहते हैं कि ये गलत है तो आप भूल जाएं अब छोड़िए इनकी बात मैंने सिर्फ ये अभी फ्लैग किया है तथ्यों का जाल इतना लंबा चौड़ा है और ये उन लोगों को बताने के लिए जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं आप हिम्मत मत, मत महारिए अब राजीव प्रताप रूडी व्यक्तिगत तौर से आपके साथ खड़ा है आठ आठ साल से बयान न कराना केस को दबा के रखना ट्रायल को रोक के रखना ट्रायल नहीं स्पीडी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ट्रायल्स ना होना और आपने कहा कि मैंने जेल भेज दिया मैं क्यों जेल भेजने जाऊंगा मैं कौन होता हूं जेल भेजने वाला आपके खिलाफ वारंट था ये वारंट निकला हुआ था आपके खिलाफ मार्च के माह में ये वारंट था मार्च में तो घटना नहीं घटी मैं तो आपका कुछ नहीं हूँ अगर मार्च के महीना में ये जुडिशल मैजिस्ट्रेट का ये अगर नीचे दे, आ, ये ये देखिए 22 मार्च 2021 का 21 का है ये एडिशनल चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट मधेपुरा मेरा कोई लेना देना नहीं मेरे मित्र नहीं है कोर्ट का संज्ञान लिया गलती से ये लगता निकल गया है क्योंकि इस तरह की केसेस 20 बीस साल से आपने दबा के रखा है मुझे विश्वास है कि न्यायालय अपना कार्य करेगा और बहादुरी के साथ सरकार ऐसे तथ्यों को प्रकाश में लाएगी और उनका न्याय जो वर्षों से नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए मैं बहुत भारी और दुखी मन से इन विषयों को रख रहा हूँ मेरा ये काम नहीं है मैं कोई विसिल ब्लोअर नहीं हूँ मैं कोई रॉबिनहुड नहीं हूँ मैंने राजनीति कभी इस प्रकार से नहीं किया है और मेरा आपके प्रति संवेदना भी है क्योंकि आप बीमार हैं मुझे दुख है इन सब बातों को रख के क्योंकि दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया पर मुझे जिस प्रकार से आप ट्रॉल कर रहे थे तथ्यों के अभाव में अब मैं अपने जीवन के प्रयासों के बारे में कहूँगा मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ एक जनप्रतिनिधि हूँ और जो विषय आया है उसके बारे में बता करके मैं अपनी प्रेस वार्ता समाप्त करूँगा और मैं कोई महिंद्रा का डीलर नहीं हूँ मेरे पास कोई शोरूम नहीं है मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है मैं एम्बुलेंस का एजेंसी नहीं चलाता हूँ मैं वर्षों से जब मैं हारता हूं जीतता हूं मैं कुछ काम लेके अपने क्षेत्र में चलता हूं एक्सपेरिमेंट में क्योंकि सरकार नहीं कामयाब होती है मैं सरकार के एक्टिविटी को सप्लीमेंट करता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में अगर सबसे बड़ा संगठित और व्यवस्थित एम्बुलेंस नेटवर्क अगर कहिए है तो राजीव प्रताप रूडी ने उसे संचालित किया है कमियां हो सकती हैं थोड़े कम हो सकता है कम मरीज पहुंच सकते हैं लेकिन चौबीस घंटे का यह काम जारी होता है मैं आपको कुछ दिखाऊंगा और इसके बाद स्वयं आप तय कर लीजिएगा कि मैं कितना बड़ा गलत काम करता था आ, पहले तो कहा गया कि ये एम्बुलेंस मेरे घर में लगा है मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि पटना जाने के बाद ये मेरा घर है वैसे इस घर को नक्सलियों ने उड़ाने का कोशिश किया ये पुराना घर है सौ साल पुराना और मैं यही रहता हूँ पीछे भी एक घर है आगे भी है और ये मेरा घर है और मैं यही रहता हूँ जब मैं गांव में जाता हूँ मैं अपने संसदीय क्षेत्र में ही रहता हूँ ये मेरा घर है तो ये बहुत पुराना घर है और यहाँ कहीं एम्बुलेंस नहीं है उन्होंने बार बार कहा कि उनके घर में एम्बुलेंस चुरा के छुपा के रखा गया था अब आप आइए जहाँ एम्बुलेंस खड़े थे उस तस्वीर को देखिए और ये है एक बहुत ही आधुनिक सामुदायिक केंद्र जिस पर भी आरोप लगाए गए और ये कहा गया अब आप देखिए सामुदायिक केंद्र को जहाँ कुछ संचालन के दृष्टिकोण से यहाँ पर बहुत प्रकार का ट्रेनिंग होता है बहुत प्रकार का काम होता है लोगों के बीच में और मुझे लगता है कि एक सबसे अच्छा कम्युनिटी सेंटर जहाँ हर प्रकार का काम चलता है आयुष्मान के कार्ड बनते हैं लोगों गरीबों को मदद होता है और आगे भी कई योजनाएं हैं ये है और इस स्थान को उसने और इसमें दीवाल भी नहीं है कहीं चढ़ भी नहीं है एम्बुलेंस को अगर छिपा के रखना है तो चढ़दवानी में बंद करके रखना होता है यहाँ कहीं भी चढ़दीवारी नहीं है यहाँ कुछ नहीं आप सीधे जा सकते हैं तो कोई भी आदमी किसी के हाथे में प्रांगण में घुस जाए अब हम लोग आगे चलते हैं कि यह था यह समुदाय के जो जानते हैं सारण को जानते हैं मैं किस प्रकार से यह जमीन के बारे में कहा गया ये जमीन जहां सामुदायिक भवन में नौ करोड़ रुपया भगवान जाने कहां से नौ करोड़ का फिगर आ गया इनके पास करोड़ों से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं ये ये तो सरकार के नाम से पंजीकृत जमीन है और मैं आ, ये सब सरकार के नाम से राज्यपाल के बार बार कहा मेरे परिवार के लोगों का ये सब सब देख सकते हैं ये सब सरकार के नाम से पंजीकृत जमीन है ये पूरा का पूरा एफिडेविट जमीन सरकार के नाम से निबंधित है और एक एक पैसा सरकार का है संपत्ति सरकार की है कहा मेरी निजी संपत्ति है चलिए पॉलिटिक्स में इस प्रकार के आरोप लगते हैं मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सच बोलना चाहिए और किसी विषय को जलाने के लिए किसी को भड़काने के लिए आप अपने कहा एम्बुलेंस छिपा के रखा था मैंने कुछ नहीं छिपा के रखा था और ये भी बताना चाहूँगा कि जो 2019 में मैं ये एम्बुलेंस का काम कोई कोविड में नहीं कर रहा हूँ मैं एम्बुलेंस का काम पिछले दस वर्षों से कर रहा हूँ लगातार कर रहा हूँ लोगों तक पहुँचा रहा हूँ उसमें सुधार कर रहा हूँ और आ, ये एक व्यवस्था के तहत है ये डिस्ट्रिक्ट में जितने 40, 50, 40 के आसपास जो ये समिति बनी हुई है इसके अध्यक्ष डीडीसी डी सी है ये है ये ये उसका पं उसका है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का देखिए ये इस पर पंचायत की मुखिया को दिया जाता है और ये देखिए डिस्ट्रिक्ट एम्बुलदास है जिसमें उप विकायुस्तु आयुक्त अध्यक्ष होते हैं सिविल सर्जन उसके सचिव होते हैं जिला योजना पदाधिकारी जिला लेखा पदाधिकारी जिला पंचायती राज और सांसद का एक चयनित संचालन समन्वय ये मुखिया द्वारा स्वीकार किया जाता है और पंचायत स्तर पर भी एक कमेटी होता है पंचायत स्तर पर का कमेटी है यह देखिए इसमें आ, इसके आ, एक पंचायत स्तर की कमेटी है वो शायद पन्ना दिख नहीं रहा है मैंने निकाल दिया और वहां से यह संचालित होता है यह पूर्णतः सरकारी है, मैंने अपने ऊपर ले लिया कि मैं चलाता हूं मैं समन्वय करता हूं ताकि अच्छी तरह से चले उसकी जिम्मेवारी लेता हूं चार लाख रुपये में तो एक नाली बनता है गांव का पता नहीं कई बार बनता है, नहीं बनता है ये चार लाख रुपये एम्बुलेंस मेरी ये मेरा ये कमिटमेंट है और मैं कहता हूं चार लाख रुपये से अगर किसी एक व्यक्ति का एक कार्यकाल में एक एम्बुलेंस से अगर जान बच गया तो मैं समझता हूं कि वो चार लाख रुपया सरकारी पैसे का सदुपयोग हुआ और इसको मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि मुझे अपने इस कार्य पर गर्व है कि मैं गरीबों तक काम करता हूँ ईमानदारी से और ये मेरा पैशन है मैं करता रहता हूँ चाहे इसका कोई भी इसको हटाने का कोशिश करे आपने ये कह दिया कि हमारे ये कैसे मुखिया लोग चलाते पंचायती राज संविधानिक अधिकार के तहत पंचायतों में मुखिया का सबसे बड़ा भूमिका है हमारे यहाँ 225 के आसपास पंचायत पंचायत थे। 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 मैंने अभी पच्चा... ये देखिए मुखिया लोगों को जब दिया गया था और ये मैं वीडियो आपको चला के दिखाना चाहूंगा तो है, है। ये पंचायतों में बांटा गया समाज में भी एक इनका अच्छा स्थान है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सतेंद्र जी को आज हम सांसद कोष से अपने पंचायत के लोगों का और जिला के लोगों की सेवा करने के लिए मुखिया जी आपको आप ये एम्बुलेंस की चाबी मैं इनको दे रहा हूँ हमारे साथ महेश राय जी हैं जो नाथा छपड़ा के मुखिया हैं ये समाज सेवा में लगे रहते हैं और इनको भी ये 22 नंबर गाड़ी इनके जिम में सौंपा जा रहा है जो फकुली पंचायत के मुखिया हैं नौजवान हैं मेहनत करते हैं समाज का सेवा करते हैं और ये आपको एम्बुलेंस का चाबी देता हूँ पंचायत और इस जिला के लोगों की सेवा में लगाए सर रंजू जी हमारे साथ हैं रंजू कुमारी जी उनके पति धर्मेंद्र जी भी हैं और उनके पंचायत सेवा के अशोक यादव जी और सबकी सम्मिलित जिम्मेवारी है उस समिति की इस एम्बुलेंस का उपयोग करेंगे और मुझे विश्वास है कि डुमरी पंचायत में जब ये चलेगा तो सिर्फ आप वहीं के ठीक है ये मैं ऐसे आपको सैकड़ों दिखा सकता हूं लेकिन मैं नहीं मैं ये कह रहा हूं ये एक दृश्य था अब आपने हमारे मुखिया समाज को अब शब्द के मुखिया बेईमान है पैसे कहाँ रखता है क्या करता है अरे छोड़ दीजिए वो लगा है कोविड में हिसाब दे देगा कल पैसे दे देगा आपने मेरे जिला के पार्षदों को मुखिया को सरपंच को वार्ड को पूर्व वार्ड को आपने कैसे उसका अपमान किया ये जनप्रतिनिधि हैं जैसे मैं सांसद हूँ वो भी अपने जनप्रतिनिधि हैं वो भी काम करते हैं चाहे जितना करते हो जैसे करते हों अपनी ताकत से करते हैं और मुझे गर्व है सारण जिला के सभी जनप्रतिनिधियों का सभी सांसदों का सभी विधायकों का सभी वैसे लोगों का जो इस प्रकार के काम करते हैं मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और पंचायती राज का अगर स्वरूप सचमुच देखना है तो सारण के धरती पर आके देखिए कि पंचायत में किस प्रकार से एम्बुलेंस का संचालन मुखिया कर रहा है अब आप कहेंगे कि आपकी क्या भूमिका है मेरी भूमिका है जिसके कारण ये आरोप मैंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया क्योंकि ये मेरा पैशन है मैं इसको संगठित कर रहा हूँ पंचायतों से और एक अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह कहा गया कि मुझसे निकल गया उस दिन मुझे लोग कहते थे कि ड्राइवर नहीं है मैंने कह दिया ड्राइवर है ड्राइवर नहीं है उसको बनाया ड्राइवर चालीस ड्राइवर कोई ड्राइवर नहीं आया आज तक हमारे यहां कोई लाइसेंस नहीं मिला कुछ नहीं मिला चलिए वो भी एक गिमिक था 24 घंटे तक समाचार चला लोगों को लगा कि ड्राइवर के अभाव में लेकिन एक और सच था जिसके कारण नहीं हुआ और वो सूची मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्यों एक और सच था क्योंकि ये डीएम को मैंने चिट्ठी लिख के भेजा कि साहब एम्बुलेंस के ड्राइवर्स की कमी है और ये घटना से बहुत पूर्व लिखा गया और मैंने लिख के वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया था कि साहब अगर ड्राइवर मिले तो दीजिए कोई सरकारी कर्मचारी अगर खाली है ड्राइवर है उसके पास ड्राइवर नहीं है जिला में ऐसा होता है उनको दे दीजिए ठीक है आपको लगता था ये मैंने फैब्रिकेट किया कोई बात नहीं आपको लगता होगा बचने के लिए उसके पहले का पत्र लिखा हुआ है लेकिन एक जिम्मेवार होती है किसी का मुखिया लोगों की भी जिम्मेवारी है और अनफॉर्चुनेटली जो एम्बुलेंस उस दिन खड़े थे ये सब उसका नंबर है मिथिलेश कुमार सिंह छपला सदर कृष्णा राय अमनौ एक्सीडेंट होकर गाड़ी गैराज में अनूप कुमार जयराम गिरी कन्हैया सिंह इत्यादि इत्यादि आप डेट देखें इंश्योरेंस लैप्स डेट 25 पाँच दो हज़ार इक्कीस को ये सभी गाड़ियों का किसी का 22 में किसी का फरवरी में हमें सबको कह कर के सबका इंश्योरेंस सबको है कि लौटा दीजिए रूडी जी इंश्योरेंस करा के दे देंगे हम दे देंगे थोड़ा समय लगता है लेकिन फिटनेस गाड़ी में नहीं हो इंश्योरेंस नहीं हो मरीज या ड्राइवर की मौत हो जाए या कोई घटना हो जाए कहाँ से कोई जवाब देगा तो काम करने वाले को ही आप आप उंगली उठाते हैं माननीय सांस, पूर्व सांसद जी आपको पूछना चाहिए था मुझसे आप मेरे मित्र हैं आपको आना चाहिए था फ़ोन लगाना चाहिए था डीएम से पूछना चाहिए था आप किसी के घर में घुस जाएंगे कहीं भी चले जाएंगे आप पटना के अस्पतालों में जबरदस्ती घुसते रहें क्या करते रहें आप कीजिए जो करना है लेकिन कम से कम एक सांसद पूर्व सांसद दूसरे सांसद के घर में जबरदस्ती नहीं घुसता गुछ, है ये हमारे हमारी मर्यादा नहीं है लेकिन अगर आपको लगा कि एक बड़ा ख्याति मिलेगा तो आपने अब मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूं जो एक सूची जिसमें कितना ये एम्बुलेंस चले ये जरूर देख लीजिए क्योंकि पत्रकारों को लगता है कि ये सब खड़े थे तो ये एक एम्बुलेंस बासठ हजार किलोमीटर चला है अंठावन हज़ार किलोमीटर चला है पचास हजार छत्तीस हज़ार ये सभी एम्बुलेंस कितने किलोमीटर चले हैं कोई स्टैंड पर ले जा करके सवारी ढोने के लिए एम्बुलेंस नहीं होते कि स्टैंड पर ले जा कर खड़ा करो और जिला में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसने भी एम्बुलेंस मांगा तीन दिन वो एम्बुलेंस चलता रहता वो भी मैं दिखाऊंगा कि इसकी व्यवस्था क्या है और एम्बुलेंस के मामले में भारत में सबसे आगे हमारा एम्बुलेंस की व्यवस्था है अब इस चीज़ के बाद यदि आप सवाल पूछना चाहें तो पूछें मैं आपको एक डिस्प्ले जीपीएस का दिखाना चाहता हूं जो कंट्रोल करता है 24 घंटा तीन दिन और इसके लिए कोई सरकार हमें पैसा नहीं देती है ये मैं अपने शौक से इन सभी एम्बुलेंस को पंचायतों को फैसिलिटेट करने के लिए करता हूं और आप तीन मिनट का समय दें ये पूरी कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी और ये मेरा एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये अब मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि आप जरा विवरण दें आज अगर चलने वाली गाड़ियों का आज की तारीख में ये गाड़ियां सारण जिला में कहाँ हैं कैसे हैं कहाँ गाड़ियां चली कितनी चली और ये पूरे साल दो साल का रिकॉर्ड हमारे पास जीपीएस में है और ये सब लाल हैं जो वो गाड़ियां हैं अब आप बताइए कंट्रोल रूम जरा बताइए सब सब लोगों को देश के लोग जान जाए कि आखिर में इतने सारे एम्बुलेंस अभी दिख रहे हैं और कहाँ हैं बताएं नमस्कार माननीय सांसद राजीव प्रताप रोडी जी के कंट्रोल रूम में आप सभी का स्वागत है जैसा कि हम सभी देख रहे हैं ये नक्शा छपरा जिले का नक्शा है जिसके उत्तरी और पूर्वी छोर पर गंडक नदी का किनारा है जो बगल के जिला मुजफ्फरपुर को जोड़ता है और दक्षिणी और पश्चिमी पस्ट, छोर से लेकर पूर्वी छोर तक गंगा नदी का किनारा क्षेत्र है जो राजधानी पटना को सीधा संपर्क देता है यहाँ सभी एम्बुलेंस जो हम देख रहे हैं ये तीन रंग के दिख रहे हैं एक लाल है एक पीला है और एक हरा है लाल रंग के वैसे सभी एम्बुलेंसेस हैं जो रेडी टू सर्विस मोड में खड़े हैं पीले रंग के एम्बुलेंसेस वैसे हैं जो घंटे पहले दो घंटे पहले कहीं ना कहीं से चलकर आए हैं मरीज को सेवा देकर या तो पार्क है या फिर वापस लौटने की स्थिति में इंतजार कर रहे हैं मरीज को लेकर लौटे या मरीज की तरफ से सूचना प्राप्त हो जाए कि अब सब कुछ ठीक है तो वे लौट जाए और हरे रंग के एम्बुलेंसेस वैसे सभी एम्बुलेंसेस हैं जो अभी सेवा दे रहे हैं अर्थात अभी चल रहे हैं मरीज को लेकर किसी हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं

हॉस्पिटल से भी समन्वय किया जाता है अगर मरीज की स्थिति खराब होती है तो और हम हमारे पास यह भी रिपोर्ट आता है कि अगर एम्बुलेंस कभी गति से ज्यादा चल रहा है तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर अलार्म बजता है और हम ड्राइवर को फोन करके यह पूछते हैं कि क्या ऐसी स्थिति है जी धन्यवाद क्यों मूवमेंट नहीं दिखा रहे गाड़ियों का मूवमेंट अभी दिखा दीजिए अभी कितनी गाड़ियां चल रही हैं और कितने गाड़ियों का मूवमेंट है ये एक बार देख लीजिए शायद आपको भी अगर चाहें तो आप अपने फोन पर इन सभी गाड़ियों को देख सकते हैं और पप्पू जी को भी इनको देख लेना चाहिए था उस दिन कितनी गाड़ियां सड़क पर थी इससे पहले आप देख लीजिए एक बार उसकी गति कहां से कहां चला एक गाड़ी कोई भी गाड़ी उठा लीजिए आप कोई भी गाड़ी उठा लीजिए ये गाड़ी हम देख रहे हैं ये छपरा सदर प्रखंड के पंचायत राज फकुली के लिए यह गाड़ी दी गई है इस गाड़ी का मोमेंट हम देख रहे हैं गाड़ी अभी छपरा डाकबंगला रोड पहुंच रही है ये गांव से फकुली गांव से किसी मरीज की सूचना प्राप्त होने के बाद मुखिया जी से और चालक से समन्वय कराकर तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया और मरीज को लेकर एम्बुलेंस छपरा सदर हॉस्पिटल के लिए आ रहा है जैसा कि हम इस स्क्रीन पर देख रहे हैं हम सब कुछ यहाँ से मॉनिटर कर पा रहे हैं गाड़ी की गति अभी बीस किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चल रही है और डाक बंगलो रोड में सदर हॉस्पिटल से गाड़ी मुश्किल से पांच मिनट की दूरी पर है एक और कोई पटना की तरफ की गाड़ी देखा है, जो पटना गया हुआ हो कोई और गाड़ी देखा है जो मूवमेंट है ये हर एक गाड़ी है जो मूवमेंट में है लाल है जो ऑपरेशन हो रहे हैं आ, ये एम्बुलेंस हम देख रहे हैं जो अमनौर प्रखंड के कैतुका लच्छी पंचायत की गाड़ी वहां से सूचना प्राप्त होने के बाद हमने मुखिया और चालक से समन्वय किया सत्रह मिनट में आग्रह के उपरांत वहाँ गाड़ी पहुंच गई और ये गाड़ी अभी कैतुका से चलकर सोनपुर होते बेली रोड होते यहाँ पहुंच रही है पटना के लिए और अभी रनिंग मोड में है गाड़ी अभी आई है गाड़ी जस्ट पार्क हुई है हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुंचाया जा रहा है अगर एक और कोई दिखाना है दिखा दे उसके बाद इस प्रकार से आप देख सकते हैं अगर आप बैठ के अपने टेलीफोन पर आप हमारे कंट्रोल रूम से प्राप्त कर लें और कोई भी एम्बुलेंस को किसी भी समय देख लीजिए माननीय मुखिया लोग, लोग पहुंचा रहे हैं मैं उसको मदद करता हूँ इसलिए ये गाड़ी की गति चालीस किलोमीटर है और ये भी है अगर ये सौ को पार करता है गाड़ी तो रेड अलर्ट आ जाता है और सौ किलोमीटर पार करते के साथ हम उसको तुरंत कहते हैं कि भाई गाड़ी क्यों तेज चला रहे हो ये तो ऑटोमेशन है जीपीएस पर है और ये छपड़ा रेवा मुजफ्फरपुर रोड पर भी गाड़ी है साफ आ रहा है स्क्रीन पर और पिछले छह महीने का आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा आप किसी गाड़ी को कहीं उठा ले इसने अपनी गति कम कर ली अब इस गाड़ी की गति पचासी किलोमीटर है जो बहुत ज्यादा है हो सकता है किसी इमरजेंसी में लेके आ रहा हूं तो कहां यह गाड़ी है किसके पास यह गाड़ी है किस, किस गति से चल रही है कौन पेशेंट है कब जाना है कितने बजे जाना है कभी आपको भगवान ना करे कि इसकी जरूरत पड़े सारण जिला में आप कभी बीमार ना पड़े कुछ कमियां होती हैं सब जगह नहीं कई बार पहुंचे लेकिन वो बहुत रेयर है लोगों से पूछना चाहिए ना कि बाहर के नेताओं के पास इस विषय को लेके आना चाहिए मैं आप पूछेंगे ये कैसे होता है आखिर ये सूचना क्या है तो मैं आपको दृश्य दिखाता हूं एक जहां से ये संचालित होता है जहां पर यह कंट्रोल रूम है और ये कंट्रोल रूम में कंट्रोल रूम का आप लेके आइए और दिखाइए दृश्य ये प्रत्येक दिन का रिपोर्ट आता है मेरे पास ये देखिए कंट्रोल रूम है ये कंट्रोल रूम है

चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए साहब कार्यकर्ता 24 घंटा बैठे रहते हैं और यह सिर्फ एम्बुलेंस के लिए नहीं है आप इस रिपोर्ट को देखना चाहेंगे 15 दिन का कॉल सेंटर का रिपोर्ट और ये डीएमएसपी सबको जाता है सबसे पहले देख लीजिए ये एक पांच का है कोरोना इन्फॉर्मेशन टोटल एक महीने का है उसके बाद ये एक पाँच से पंद्रह पांच तक का टोटल है कोरोना इंफॉर्मेशन पच्चीस सौ एम्बुलेंस पांच सौ सात इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लेंट ब्लॉक का कंप्लेंट लैंड डिस्प्यूट पुलिस और पंद्रह दिन में मुझे छः हजार एक सौ प्रत्येक दिन का भी रिपोर्ट है प्रत्येक दिन का देखिए जैसे ये पंद्रह पांच का है यानी कि कल का कि दो दिन पहले का एस एमरजेंसी एडमिशन दस अदर हेल्थ कॉल कोरोना इंफॉर्मेशन एक सौ एम्बुलेंस बत्तीस इलेक्ट्रिसिटी के बिजली भी कटता है ब्लॉक के कंप्लेंट्स लैंड डिस्प्यूट पुलिस कंप्लेंट्स दो एडमिशन केंद्रीय विद्यालय रिक्वेस्ट टू मीट एम पी ट्वेंटी जो होता है जनरल कॉल और तीन कॉल यहाँ प्राप्त हुए मैं सिर्फ ये प्रयास करता हूँ इसमें एम्बुलेंस एक है और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रोज जाता है एसपी को भी जाता है एसपी साहब भी देखते हैं कि मेरे यहाँ क्राइम की क्या स्थिति है तो ये बड़ा खराब लगता होगा लोगों को इस तरह का काम और मैं अपराधी हूँ मैंने एम्बुलेंस पता नहीं कहाँ से मैंने सुना था कि भाई होता है लेकिन एंबुलेंस का कोई कालाबाजारी होता है हमने तो नहीं सोचा हमारे यहां किसी को इस बात और मैं किसी ने पूछा कि आप दूसरे जिला में दे देते हैं लाइट्स का मैं दूसरे जिला का जिम्मा नहीं ले सकता हूं वो तो सरकार का निर्णय होगा कोई राज्यसभा का सांसद पूरे बिहार और देश को दे सकता है लेकिन लोकसभा का सांसद सीमित क्षेत्र में और मेरा कमिटमेंट सारण जिला है और आज की तारीख में सारण जिला में अठारह हजार करोड़ रुपये का काम भारत सरकार और राज्य सरकार से चल रहा है इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना मुझे अब इस बात समाप्त करना है आप लोगों ने इतना समय दिया लेकिन हमारे मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैंने किसी को गिरफ्तार करा दिया मैं कोविड में देश ने देखा है कि बड़ा संकट का समय है रुकने से शांत रहने से यह प्रॉब्लम नहीं होता है माननीय पूर्व सांसद जी को इतनी गंभीर बीमारियां थी वो उसी बीमारी में अभी पंद्रह दिन पहले शायद ऑपरेशन भी हुआ था दुखद है उसके बाद वो आरा भी चले गए वहां झगड़ा कर लिया जा करके वो छपड़ा भी चले आए हमारे यहाँ भी झगड़ा कर लिया आ करके कुछ केस मुकदमा भी हो गया लगता है उनके यहाँ वो पीएमसीएच में भी चले गए डॉक्टर लोग एनएमसीएच में चले गए वो गए आरा चले गए वहाँ भी केस हो गया आखिर में परिवार के लोगों को ध्यान देना चाहिए जो व्यक्ति इतना बीमार हो जो गिरफ्तारी के बाद इतना अस्पताल चला जाए उसको इस तरह से नहीं घूमने देना चाहिए क्योंकि सब ने कहा है कि और कोविड वार्ड में घुस जाना सब लोग परेशान कोविड वार्ड में आप घुस करके फिर घर जाते थे अपने परिवार को भी संक्रमित करते थे अपने मित्रों को भी अपने सिक्योरिटी को इतने बड़े फोर्स लेके चलते हैं ये नहीं करना चाहिए था आपको आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया और समाचार बनने के लिए और आज आप इतने बीमार हैं आपको आप हमने किसी को नहीं जेल भेजा हम ना जेल भेजने की क्षमता रखते हैं और मैं कभी जीवन में किसी को कष्ट नहीं लेकिन वहाँ से आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज चले गए और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आपने अपने से एक बोर्ड बैठाया अपने से एक बोर्ड बैठाया और बोर्ड ने कहा कि इनको भी पटना भेजना चाहिए पी में भेजना चाहिए था बोर्ड बोर्ड ने तय किया मरीज क्यों तय करेगा बोर्ड ने तय किया इनको तो पटना भेजना चाहिए आपने सुप्रिन्टेंडेंट को लिख दिया कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ पता नहीं क्यों लेकिन अगर कल आपको कुछ हो गया और उन डॉक्टरों का क्या होगा बेचारे जिन्होंने कहा है कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है और इनको अच्छे उपचार के लिए आगे भेजना चाहिए तो उन डॉक्टरों का क्या होगा उसको बताएं तो इस प्रकार से आप कानून मुझे मुझे बहुत चिंता है आपके स्वास्थ्य की और मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ हो जाए और समाज में अच्छी भूमिका निभाएं अपराध की दुनिया से बाहर निकलें और किसी को पीड़ा ना पहुंचाए किसी को झूठ ना बोले किसी को आपराधिक न कहे किसी को गलत ना कहे और पश्चाताप करने का समय है उम्र में हर कोई आदमी को, को पश्चाताप गलतियां सबसे होती हैं पश्चाताप करना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए और आरोप नहीं लगाना चाहिए वो वो टिकता नहीं है और एक बात कहूँ मैं सबसे पहले आभार देना चाहूंगा आपने सबको आरोपित किया देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं कोविड में देश के, बिहार के मुख्यमंत्री जिनको आपने बहुत कुछ खरी खोटी बिहार के मंत्रियों को सुशील मोदी जी को बिहार के तमाम नेताओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपका क्या बिगाड़ा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने जो ट्वीट पर कहा है वो मैं दोहराना नहीं चाहूँगा आपने भारत के स्वास्थ्य मंत्री को आप आपने किसको छोड़ा है आपने किसको नहीं किसको बख्शा है तो मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि और मैं भारतीय जनता पार्टी के उस बीस करोड़ कार्यकर्ता और देशवासी और सभी पत्रकार आप मुझसे सहमत नहीं होंगे मेरा इसमें कोई भी तथ्य मैंने अभी तक रखा है मैंने मन ग्रंथ नहीं है और प्रमाण के साथ नहीं है मैंने सब बात सत्य का रखा है क्योंकि कई बार आरोप लगाने के बाद वो टेम्पलेट बन जाता है जो पूरे जीवन आपके साथ चलता है इस टेम्पलेट के कभी भी किसी को जरूरत होगा और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो मैं आभार व्यक्त करना पड़ेगा करना चाहूँगा अपने कार्यकर्ताओं को सारण के कार्यकर्ताओं को सारण जहाँ मुझे गर्व है मुझे गर्व है अपनी जनता पर मुझे गर्व है अपने सारण के लोगों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बिहार पर गर्व है मुझे दुख होता है जब पूरी दुनिया में बिहार का नाम कलंकित होता है अपराध की दुनिया में जाना जाता है मुझे बहुत दुख होता है मैं देश दुनिया में जाता हूँ आप मुझ पर कोई भी आरोप लगा दे ठीक है लेकिन बिहार को कलंकित मत करें बिहार के उस चित्र को चित्रण को समाप्त मत करें बिहार एक ऐसा धरोहर है जिसने दुनिया को मार्ग दिखाया है दुनिया को राह दिखाया है राष्ट्र भक्ति देशभक्ति अभी तो ऐसा लग रहा है कि बड़े सत्याग्रह में आप चले गए हैं ये कोई सत्याग्रह नहीं था आप कानून का अपना कार्रवाई करेगा कानून का राज होना चाहिए और इसमें किसी राजनीतिक नेता का कोई हाथ नहीं है मैं आभार व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी मीडिया के लोगों का जो अगर आपको लगे मेरा बात ठीक है तो समझिए प्रवक्ता तो मैं पार्टी का रहा हूँ लेकिन आज मैं अपना प्रवक्ता बन के बैठा हूँ ताकि गलत विषय नहीं रह सके सारण की जनता के प्रति समर्पित हूँ मैं और मुझे गर्व है अपने लोगों के अपने कार्यकर्ताओं जो इस इस गलत बयानी का उन्होंने जवाब दिया है मजबूती से जवाब दिया है मैं 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 इस बात को फिर मैं फ्रंट फुट पर मैं कोई ऑप्लॉजेटिक नहीं हूँ इस विषय को लेकर कि मैंने कोई गलत नहीं किया इसलिए मुझे लगा कि आना चाहिए एक बार आप सभी लोगों को बहुत जो भी सवाल हैं आप भेज दें मैं कुछ लोगों का क्वेश्चन लेना चाहता हूं लेकिन ग्लिच के कारण वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है वो नहीं सवाल आ पा रहे हैं तो फिर से एक बार पूरे बिहार के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे पार्टी के नेता डॉक्टर संजय जायसवाल उनकी पूरी टीम देश के नेता मिस्टर नड्डा और उनकी पूरी टीम आप कोविड में लगे हैं करोड़ों कार्यकर्ता सभी दल के सभी पार्टी के लगे हैं बुरा वक्त है लोगों को एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए आरोप से बचना चाहिए और हमें विश्वास है कि ऐसी तमाम ताकतें आज आरोप प्रत्यारोप के रास्ते से छोड़ करके समाज के साथ जुड़ करके बहुत घटनाएं हो रही हैं बहुत करीब के लोग बहुत परिवार के लोग आज मेरा मुझे दुख सबसे बड़ा दुख है कि मेरे जीवन के अच्छे आठ दिन अच्छे आठ दिन जिसको मैं लोगों की मदद में अपने तरीके से करता रहता हूँ छोटा ही करता हूँ करता रहता हूँ मेरे आठ दिन इस पूरे प्रकरण में खराब हुए बदनामी से मैं नहीं डरता हूँ लेकिन बदनामी के पीछे अगर कोई आधार हो तो ठीक लगता है और बहुत सारे ऐसे पेपर कटिंग्स आए और विषय आए जिस पर मैं दूँ तो घंटों चलना पड़ेगा आप सब लोगों का और मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये अगर कोई गलत करता है तो तथ्यों का जाल इतना बड़ा है कि उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है मेरे देश भर में लाखों लोग जो आज मुझे देख रहे हैं मेरे मित्र वो जो जानना चाह रहे हैं जिन लोगों ने जानना चाहा उन सबके लिए प्रत्यक्ष रूप से है मैं फिर से मैं जो काम करता हूँ इस राजनीतिक काल के अंतिम समय में तीस वर्ष के राजनीतिक जीवन के बाद मैं मैं कुछ ले करके या संपत्ति बना के मैं समाज को वापस दे के जाना चाहता हूँ जो मेरी ताकत है ईश्वर की बड़ी संवेदना रही है सब लोगों की संवेदना रही है और मैं किसी का बुरा नहीं मैं आपकी स्वस्थ स्वस्थ होने का कामना करता हूँ आपके परिवार की भलाई चाहता हूँ वैसे तमाम लोग जो इस प्रकार से हैं मैं सबकी भलाई चाहता हूँ उन गरीबों का और विशेष तौर से जो आज ज़रूरतमंद है उनके साथ हम खड़े हो सकें आप सबका सभी पत्रकारों का सभी मित्रों का मीडिया प्रभा दिल्ली के मीडिया के लोगों का संजय मयूर जी का बलूनी जी का और सभी जो भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा और, और भी पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस पूरे संज्ञान लिया और मैं आप सबका और बिहार वासियों का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी डॉक्टर और जितने लोग स्वास्थ्य में लगे हैं उन सबका आभार व्यक्त करते हुए देश दुनिया के लोग जो आज मुझे देख रहे हैं आभार व्यक्त करते हुए फिर से आपको नमस्कार बड़े दुखी मन से मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ मुझे धन्यवाद आप सब लोगों का नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम